अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाइस्ता कॉर्नर। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस माय एनी रेसिपी। ये देखें हमारे रिच करेले, इनकी फाइनल लुक देखें। आज हम ये बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आपने मेरे बेटे की बर्थडे वाली वीडियो को बहुत लाइक किया और बहुत से व्यूअर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आप प्लीज़ इस तरह मुझे अपना प्यार देते रहें और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते रहें। आइए तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चार पांच हमने लिए हैं करेले, इनको इस तरह से काट के हमने इनको नमक और हल्दी के पानी में आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। एक कप हमें चाहिए तली हुई प्याज, तकरीबन 4 टेबल स्पून के आसपास। 4 टेबल स्पून हमें चाहिए ये इमली का पल्प भर के, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक कुटा हुआ, 2 बड़े चम्मच भर के हमें चाहिए भुने हुए पीस के तिल, 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए नारियल का बूदा और 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए मूंगफली का। मूंगफली को हमने रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लिया है। 1/2 चम्मच हमें चाहिए सौंफ, थोड़ी सी हमें चाहिए मेथी दाना 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए कलवंजी, 1 चम्मच भर के हमें चाहिए कुटा भुना धनिया, 1 चम्मच भर के हमें चाहिए कुटा भुना ज़ीरा, 1 टी स्पून हमें चाहिए लाल मिर्ची, 1/2 टी स्पून हमें चाहिए नमक और 1/2 टी स्पून हमें चाहिए हल्दी। अच्छे से हीट अप हो चुकी है। अब इसमें हम 6-7 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ये 6-7 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसमें जाएंगे हमारे ये तीनों मसाले। सबसे पहले इनको हम अच्छे से मिक्स करें। अब ये थोड़े से चटक रहे हैं तो इसमें अब जाएंगे हमारे ये करेले। क्या है, अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो मीडियम आंच तक, ताकि ये अच्छे से हो जाएं। ये इस तरह हो गए हैं तकरीबन। हमने, क्योंकि ये अलग टाइप के करेले हैं, हमने इस शेप में काटे हैं। तकरीबन इनको हमने 80% पका लेना है। ये बहुत ही अच्छे और रिच करेले हैं, दावत में बनाने के लिए स्पेशल हैं। तो अभी ये जब तक ये सॉफ्ट होते हैं हम इनको और 5-6 मिनट कवर कर देंगे। अब देखेंगे इस तरह हो गए हैं। इसमें जाएंगे हमारे अदरक लहसुन, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जाएंगे इसमें हमारे सारे मसाले। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले ना जले, वो अच्छे से मिक्स हों। अभी 3-4 मिनट फिर हम इनको कवर कर देते हैं। ये देखें 5-6 मिनट के बाद कितनी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं, मज़ेदार सी। दिल कह रहा है अभी के अभी इनको खाएं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे तीनों मसाले थे ये। अब हम थोड़ा पानी मिक्स कर लेते हैं 1 कप, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पॉइंट पे इनको हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ओनली 2 मिनट। ये देखें हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम ये अपनी तली हुई प्याज इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप
पहले तल लें प्याज को, फिर इस पॉइंट पे मिक्स करें। ये हमारे बहुत ही रिच करेले बन रहे हैं। दावतों में आप इनको बना के खाएं, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। ये इमली का पल्प जाएगा इसमें। अब हम इसको मिक्स करके ओनली 10 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे इनको पकने देंगे, फिर आपके साथ में, ताकि ये अपना फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले, सारी चीज़ें टुगेदर कर ले, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए अच्छी सी। ये देखें हमारे रिच करेले दावतों में बनने वाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए अच्छे से गल गए हैं, टेंडर हो गए हैं। आइए हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारे रिच करेले दावतों में बनने वाले रेडी हो गए। इसकी फाइनल लुक देखें, आप इनको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के टेस्टी हैं। घर में बैठ के दावत का लुत्फ़ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।